दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी किसी ना किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्टडी छोड़ देते हैं। कोई सेवन्थ क्लास में स्टडी छोड़ देता है, कोई एट्थ क्लास में स्टडी करनी बंद कर देता है, कोई टेंथ में, ट्वेल्थ में। हालांकि उनके रीजंस, जो उनके कारण है स्टडी छोड़ने के, पढ़ाई छोड़ने के, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो सीपैट का डिप्लोमा होता है ये किन बच्चों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, 3 महीने वाला और 6 महीने वाला किस स्टूडेंट को करना चाहिए, वो जो 1 साल का 2 साल का 3 साल के जो डिप्लोमा होते हैं वो किन बच्चों को, किन स्टूडेंट को करना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर मैंने सीपैट का डिप्लोमा किया था, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो मैं आपको इस वीडियो में ये रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों सक्सेस नहीं हो पाते सीपैट डिप्लोमा करने वाले, और ऐसे कौन से स्टूडेंट होते हैं जो सक्सेस प्लास्टिक इंडस्ट्री में हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि किन स्टूडेंट के लिए 3 महीने वाला और 6 महीने वाला डिप्लोमा होता है। देखिए दोस्तों, हर किसी घर की, जो हर एक घर होते हैं उनकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, फाइनेंशियली कंडीशन कमज़ोर हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। ये जो 3 महीने वाला और 6 महीने वाला जो डिप्लोमा है, शॉर्ट टर्म कोर्स जिसको कहते हैं, वो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उन्होंने स्किल इंडिया के तहत चलाया है गरीब बच्चों के लिए, जो कि 8th क्लास में 10th क्लास में अपनी फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो ठीक ना होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए, ताकि वो भी अपने करने खाने के लिए पैसा कमा सके, कहीं उसको रोज़गार मिल जाए, वो बेरोज़गार ना रहे, उनके लिए गवर्नमेंट ने ये वाला डिप्लोमा चलाया हुआ है, 3 महीने वाला और 6 महीने वाला। तो दोस्तों कहने का मेरा मकसद यही है कि जो 10th क्लास से कम पढ़ा लिखा है और फाइनेंशियली उसकी कंडीशन ख़राब है, ठीक नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है कोई महंगा डिप्लोमा करने के लिए, तो वो 3 महीने वाला और 6 महीने वाला डिप्लोमा आसानी से कर सकता है। दोस्तों अब बात आती है कि जो बच्चे नीचे वीडियो के कमेंट करते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई सीपैट का डिप्लोमा करने के बाद, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, दोस्तों जब आप पढ़ाई ही नीचे लेवल की करते हो, एक लो लेवल की आप पढ़ाई करते हो, तो आपको HR या फिर कंपनी का मैनेजर कौन बना देगा? सबसे पहले आपको पहली सीढ़ी से ही, पहले स्टेप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, जब भी आप ऊंचे पद पर पहुंचते हो, एक ऊंची पोस्ट पर पहुंचते हो, उसके लिए आपको नीचे से चलना पड़ता है। आप ये सोचिए, अगर कोई HR है, उसको पहले जो नीचे का काम है वो करके जाना पड़ेगा, ताकि उसको नॉलेज हो कि मेरे जो अंडर काम करेंगे लोग, उनको मैं समझा पाऊँ। तो जब 3 महीने वाला या 6 महीने वाला आप डिप्लोमा करते हो, तो आपको एक ऑपरेटर का असिस्टेंट बना के भेजा जाता है। सबसे पहले आप वहाँ पर एक ऑपरेटर का असिस्टेंट बन के काम कीजिए, वहाँ पे सीखिए, धीरे धीरे जब आप सीखोगे 6 महीने में, 1 साल में 2 साल में, फिर सीखने के बाद आप या तो कंपनी चेंज कर दीजिए या वही कंपनी आपको बहुत ऊँची पोस्ट पर पहुँचा देगी, धीरे धीरे ही आपका लेवल अप होगा। अब मेरी ही सुन लीजिए, जब मैं जॉब करने के लिए गया तो मैं क्वालिटी में गया था, क्वालिटी डिपार्टमेंट में गया था, हालांकि बहुत आसान काम है वो, उतना ज़्यादा वहाँ पे मेहनत का काम नहीं था, फिर भी मेरा 1 महीना वहाँ पे मन नहीं लगा, लेकिन मैं काम करता गया, फिर मेरा वहाँ पे मन लग गया। स्टार्टिंग में हर किसी के साथ होता है कि जब आप कहीं पे कंपनी में काम करने जाते हो तो आपका वहाँ पे मन नहीं लगता, ज़बरदस्ती से मन लगाना होता है, फिर धीरे धीरे आपकी वहाँ पे जान पहचान होगी तो मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। काम छोड़ के मत भागिए, 3 महीने 6 महीने वाला जो कोर्स करते हैं, काम छोड़ के मत भागिए, वहाँ पे काम कीजिए, मेहनत से कीजिए और सीखिए, वहाँ पे सीखने के बाद आपको ऑपरेटर वो ऑटोमेटिक ही बना देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बड़े कोर्स की, जो 2 साल के 3 साल के कोर्स होते हैं वो किन को करना चाहिए। देखिए दोस्तों, 3 साल का जो कोर्स होता है, जो डिप्लोमा होता है, वो 10th क्लास पास से होना स्टार्ट हो जाता है। 12th क्लास पास से 2 साल का डिप्लोमा भी है और 3 साल का भी है। और जो BSc मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कंपलसरी है कि उसमें रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से आपकी BSc हुई होनी चाहिए। BSc हो या फिर आपका कोई दूसरा ग्रेजुएशन डिग्री हो, उसमें केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। आप जो कोर्स करोगे, आपकी जो डिप्लोमा की ड्यूरेशन रहेगी वो 2 साल की या 1.5 साल की रहेगी। अगर आप सैलरी 3 महीने और 6 महीने के कोर्स करने वाले से ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आप 3 साल का कोर्स कीजिए, 10th पास करके 3 साल का कम से कम कोर्स कीजिए। आपको जो कंपनी हायर करेगी वो आपको थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा दे देगी, क्योंकि आप एक पेड कोर्स कर रहे हो, एक लंबे समय वाला कोर्स कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे। कंपनी भी ये देखती है कि 3 महीने 6 महीने का जो आपने कोर्स किया हुआ है उसमें आपने क्या सीखा होगा, सारा का सारा कंपनी ही आपको सिखाएगी, इसलिए वो आपको सैलरी भी कम देती है। और फ्रेशर को हर कोई रखना पसंद भी नहीं करता, इसलिए वो आपको कम से कम सैलरी पे रखेगी। और जैसे ही आप सीखना स्टार्ट कर दोगे, ज़्यादा सीख लोगे, तो आपको वो कंपनी ऑपरेटर भी बना देगी, फिर आपकी सैलरी भी अप होगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सैलरी भी बहुत कम मिलेगी और नीचे लेवल से काम करना ही पड़ेगा, मेहनत वाला काम करना ही पड़ेगा। जब आप 1 साल लगभग कंपनी में रुक जाते हो, तो आप ना चाहते हुए भी बहुत कुछ सीख जाओगे,
तो आप ये कॉलेज पे या अपने घर वालों पे ये ब्लेम नहीं कर सकते कि सीपैट का डिप्लोमा करवाने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। ज़िंदगी बर्बाद उसी की होती है जो कि आलसी आदमी होता है, कुछ करना नहीं चाहता। ज़िंदगी बर्बाद उसी की होती है। गवर्नमेंट ने जो भी कोर्स बनाए हैं, जो भी डिप्लोमे बनाए हैं, उनकी जॉब पहले से ही फिक्स होती है कि ये वाला डिप्लोमा करने के बाद आप यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो, आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो। मैं मना नहीं कर रहा, अगर आपके पास पैसा है, आप फाइनेंशियली कंडीशन आपकी ठीक है, तो आप बड़ा वाला कोर्स कर लीजिए। बड़ा वाला कोर्स करने के बाद आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आप HR या मैनेजर लेवल तक भी पहुँच जाओगे, कुछ सालों बाद DM बन जाओगे कंपनी के, बहुत कुछ बन जाओगे। लेकिन आपको बड़ा कोर्स करना ज़रूरी है। हालांकि अच्छी खासी फीस लगती है बड़े कोर्स में, लेकिन उसकी सैलरी भी ऐसी ही होती है। छोटे वाला जो कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म जो कोर्स होता है, उससे ज़्यादा सैलरी होती है लॉन्ग टर्म कोर्स के बच्चों की। तो दोस्तों, मैंने दोनों कोर्स के डिप्लोमे में अंतर बता दिया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हो, तो शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए, जॉब आपको उससे भी मिल जाएगी। और अगर आप 10th क्लास पढ़े हुए हो या उससे ऊपर हो और आपके पास पैसा है, तो आप लॉन्ग टर्म कोर्स करके अच्छी सैलरी और अच्छी पोस्ट भी पा सकते हो। लेकिन आपको शुरुआत नीचे से ही करनी पड़ेगी, चाहे आप लॉन्ग टर्म कोर्स करो या शॉर्ट टर्म कोर्स करो। हालांकि सैलरी में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो दोस्तों, यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, प्रोवाइड करनी थी। आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आनी है, मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं की है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक नीचे प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।